नमस्कार साथियों साथियों भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथियों भारतीय पशुपालन विभाग के अंदर 7875 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी योग्यता आयु सीमा व सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के अंदर आगे करते हैं। और साथियों इस भर्ती की अंतिम तिथि 3 फरवरी है और इसकी योग्यता 10वीं और 12वीं पास भर्ती की योग्यता रखी गई है। और साथियों अब बात हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की करते हैं, तो साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथियों ये भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती का नोटिफिकेशन, पशुपालन निगम लिमिटेड व आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके अंदर पदों की संख्या भी बताई गई है। 7000 से अधिक कुल पद है और निम्न पदों पर यह भर्ती होगी, जो कि प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी, प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण समन्वय, प्रशिक्षण सहायक के पदों पर, अलग अलग पदों पर यह भर्ती होगी और योग्यता इसके अंदर 10वीं 12वीं पास रखी गई है। साथियों भारतीय निगम लिमिटेड के द्वारा यह भर्ती का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आयु सीमा की बात करते हैं तो साथियों आयु सीमा के अंतर्गत बहुत ही छूट दी गई है। इसके अंदर प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के पदों के लिए 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के आयु के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं प्रशिक्षण प्रभारी के 21 वर्ष से 40 वर्ष के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों प्रशिक्षण समन्वय के 21 से 40 प्रतिशत वर्ष के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो साथियों ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2022 रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन के शुल्क कितनी है, तो साथियों बात अब ऑनलाइन आवेदन शुल्क की करते हैं, तो प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी सभी वर्गों के लिए 944 रुपये रखे गए हैं। वहीं प्रशिक्षण प्रभारी के 826 रुपये शुल्क रखा गया है। प्रशिक्षण समन्वय, प्रशिक्षण सहायक के लिए 708 व 590 रुपये इसके लिए शुल्क रखा गया है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर साक्षात्कार 50 अंकों का होगा और ऑनलाइन परीक्षा 50 अंकों की होगी। कुल पेपर 100 नंबर का होगा और परीक्षा का स्थान की बात करते हैं तो साथियों परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएगी। परीक्षा आपको किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे या लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से भी इसकी एग्जाम दे सकते हैं। और साथियों इसके अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद करा देंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शामिल हो सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। साथियों ऑनलाइन आवेदन के पूर्व स्कैनिंग से हुए पासपोर्ट साइज फ़ोटो वह 6 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, तो फ़ोटो साफ होनी चाहिए। इसके अंदर बताया गया कि अगर आपके फ़ोटो पर साइन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया गया तो आपका फॉर्म निष्कासित कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जो आपको एक मित्र के जरिए आप अगर फॉर्म भरवाओगे तो वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद करा देंगे। और कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस स्क्रीन पैटर्न पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। और साथियों सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर बताया गया है पूरी डिटेल्स और एजुकेशन से रिलेटेड सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों कंप्यूटर के अंदर और कौशल विकास संपूर्ण सिलेबस यहां पर पूरा बताया गया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा सिलेबस है। और हिंदी, सामाजिक, भारत में कृषि, पशुपालन, कंप्यूटर से संबंधित इसका सिलेबस होगा, जो कि संपूर्ण सिलेबस आपको PDF के रूप में यहाँ पर मिल रहा है। साथियों और एजुकेशन से संबंधित तमाम भर्तियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।